हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम द किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी कॉर्न। हम इसे चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे। ये बहुत स्पाइसी एंड टैंगी लगता है और थोड़ा सा स्वीट लगता है। हमें कॉर्न को पकाना है तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 लीटर पानी लिया है। पानी हमारा अच्छी तरह से बॉइल होते ही हम इसमें अपने कॉर्न डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप स्वीट कॉर्न लिए है, उसे मैं इसमें डालकर 2 से 3 मिनट के लिए बॉइल करूंगी। अब हम इसे स्ट्रेनर्स की हेल्प से एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देंगे। जब हमारा स्वीट कॉर्न ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी और इसे हम अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर हर एक स्वीट कॉर्न को अच्छी तरह से मैदे और कॉर्नफ्लावर में हम कोट कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और उसी तरह से हम उसे हल्के हाथों से वापस से इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और ये अब हमारा फ्राई करने के लिए रेडी है। स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें जो एक्स्ट्रा मैदा और कॉर्नफ्लावर है हम निकाल देंगे और उसे हॉट ऑयल में डाल देंगे। तो हमें फ्लेम मीडियम पर रखना है और हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि तेल हमारे पर उड़े ना और अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक हम इसे पकाएंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है एंड तक। और ये हमारा अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है। हम स्ट्रेनर की हेल्प से इसका ऑयल निकाल देंगे और इसे बॉइल में ट्रांसफर कर देंगे। क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो चुका है। अब हम इसका सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरा धनिया का गंडी और 2 से 3 हरी मिर्च डालकर हम इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर 102 मिनट के लिए सॉट कर लेंगे। करेंगे 1/3 कप कैप्सिकम और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सॉट कर लेंगे। अब मैं इसे अपने सॉसेस डालूंगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस लिया है, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रिस्पी फ्राइड कॉर्न, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स